हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग लर्न अबाउट वार्म कलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज नंबर सेकेंड। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले कलर फैमिली वार्म कलर। हमारा आज का जो टॉपिक है कलर फैमिली वार्म कलर एप्पल। देखिए यहाँ पे टू स्टेप दी है, लुक एंड लर्न। यहाँ पे हमें पिक्चर देखना है और यहाँ पे हमें पिक्चर ऑलरेडी दिया है, ड्रॉ किया हुआ है, वहाँ पे हमें कलरिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें आज कलरिंग करने वाले हैं वार्म कलर। तो जैसे कि मैंने आपको कलर थियरी, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कलर थियरी, उसमें मैंने आपको सारे कलर एक्सप्लेन किए हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, इंटरमीडिएट कलर, टर्शरी कलर, वार्म कलर एंड कूल कलर। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर किए। तो आज हम करेंगे वार्म कलर की ये जो पेंटिंग दी है। तो आपको जैसे कि पता ही है वार्म कलर कौन से है। यस, येल्लो ऑरेंज एंड देखिए बच्चों, जैसे कि हमें पता ही है वार्म कलर हमारे रेड ऑरेंज एंड येलो। तो यहाँ पे अभी हम कलरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट में तीनों कलर निकाले हैं, रेड ऑरेंज एंड येलो। अभी हमें यहाँ पे कलरिंग करनी, जो कलर हमने यूज़ किए हैं वाटर कलर, वाटर पोस्टर कलर। तो फर्स्ट हमें ध्यान रखना है कि ये जो बुक में ही हम कलरिंग कर रहे हैं, तो आपको कलर में वाटर की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर रखनी है। ज़्यादा कलर आपको पतला नहीं करना है, जिससे हमारा पेज खराब ना हो, बैक साइड हमारी जो है वो खराब ना हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट, और हमें ये भी याद रखना है कि कलरिंग करते वक्त पहले हमें लाइट कलर भरने चाहिए, फिर उसके बाद डार्क, जिससे कि हमारा ब्रश खराब ना हो, और अगर ब्रश को हमें बार बार वॉश करने चाहिए। तो यहाँ पर हम कलरिंग स्टार्ट करते। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो येल्लो कलर है वो येल्लो कलर जहाँ जहाँ पे हमें दिखाया गया है वहाँ वहाँ पे हम येल्लो कलर यहाँ पे फिल करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं येल्लो कलर के जो 2-3 डॉट्स लगाती हूँ। तो हमें, अगर हम ऐसे बॉक्स निकालते हैं, तो हमें कलरिंग भरते वक्त हमें याद रहना चाहिए कि एक कलर दोनों साइड ना आए। अगर एक कलर दोनों साइड आएगा तो ये बॉक्स बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डॉट लगा रही हूँ। देखो यहाँ पे येल्लो, देन येल्लो, देन येल्लो, देन येल्लो, इसी तरह आपको डॉट लगाने हैं। यहाँ पे मैं 4 साइड में येल्लो कलर फिल करूँगी। कलरिंग में जब हम करते हैं तो हमें याद रखना है कि हमारा कलर अच्छे से, हमें प्रॉपर कलरिंग करनी है, कलर जो है हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हमें प्रॉपर कलरिंग करनी है। देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने 4 बॉक्स में यहाँ पे जो येलो कलर है वो फिल किया है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ऑरेंज कलर। आपको इसी तरह से ऑरेंज कलर भी 2-3 बॉक्स में आपको पॉइंट देने हैं और वहाँ पे ऑरेंज कलर फिल करना है। देखिए यहाँ पे मैं अभी ऑरेंज कलर यहाँ पे दिखा है, 1, 2, 3, then 4। इस तरह से यहाँ पे हमने डॉट रखे हैं और उस डॉट में हमें कलरिंग फिल करनी है। इसी तरह से आपको ये सारे बॉक्स कंप्लीट करने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे ऑरेंज कलर फिल हो गया है। देन हम नेक्स्ट यहाँ पे करने वाले हैं रेड कलर। जिस तरह से हमने ऑरेंज कलर के डॉट लगाए, उसी तरह से हम रेड कलर के भी डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ रेड कलर के, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इस तरह से हमें 4 बॉक्स में रेड कलर फिल करना है। देन यहाँ पे 5 बॉक्स में हम रेड कलर फिल करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा रेड कलर भी फिल हो गया है। अभी हमें
जो हमारी ये कलर है उसके हमें शेड बनानी है, लाइट शेड। तो जैसे कि आपको पता ही है, लाइट अगर हमें कलर बनाना है तो इसके लिए हम व्हाइट यूज़ करते हैं, और अगर हमें डार्क कलर बनाना है तो हम उसके लिए ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम व्हाइट कलर मिक्स करके जो हमारे कलर है उसमें हम व्हाइट कलर यूज़ करेंगे और लाइट वाली शेड बनाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे जो रेड कलर है उसमें मैंने व्हाइट ऐड किया है। अभी ये वाली शेड हम यहाँ पे 2-3 बॉक्स में फिल करेंगे। इसी तरह से आपको तीनों कलर की शेड बनानी है, व्हाइट कलर ऐड करके और फिर उसके अंदर फिल करना है। देन यहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ, 1, 2 एंड 3। इस तरह से हमें बॉक्स में जो रेड कलर की जो शेड है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने जो रेड कलर की शेड है वो मैंने फिल की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कलर हमारा दोनों बॉक्स में अलग अलग दिख रहा है। तो इसी तरह हम अभी मैं ऑरेंज कलर की शेड बनाऊंगी और वो हमें फिल करनी है। देखिए ये हो गया हमारा ऑरेंज कलर। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 2-3 बॉक्स में ऑरेंज कलर की शेड यहाँ पे फिल करने वाले हैं। देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। इस तरह से आप कोई भी जगह पे फिल कर सकते हो। और जब आप कलरिंग मिक्स इस तरह से आप अगर करोगे तो आपको कलर की जो प्रॉपर मिक्सिंग है वो भी आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेड हमारी तुरंत चेंज हो गई है और हम अच्छे से यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह से आपको येलो की भी शेड बनानी है व्हाइट कलर मिक्स करके। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर की भी शेड कंप्लीट की है। अभी देन हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे येलो कलर की शेड। येलो में हम व्हाइट मिक्स करेंगे और फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ही साइड में व्हाइट यहाँ पे दिखाया गया है येलो कलर, क्योंकि वहाँ पे हमें जो एप्पल है वो एप्पल के ऊपर लाइट दिखाई गई है, इसीलिए यहाँ पे हमें एक ही साइड में लाइट कलर भरे हुए हैं। इस तरह से ये बॉक्स हमने कंप्लीट किया। देखिए बच्चों, इस तरह से हमारा जो ये एप्पल है वो कंप्लीट हो रहा है। अभी हमें जो येलो कलर में हमें ब्लैक कलर मिक्स करना है। इसी तरह अभी हम जो सेकेंड वाली साइड है वहाँ पे मैं थोड़े थोड़े कलर निकाल रही हूँ और वहाँ पे हम ब्लैक मिक्स करके कलरिंग करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट हमने जो प्लेट में लिए थे रेड येलो सॉरी रेड ऑरेंज एंड येलो, वहाँ पे हमने व्हाइट कलर मिक्स किए। देन मैंने यहाँ पे अभी थोड़े थोड़े कलर निकाले हैं, उसमें हम ब्लैक यूज़ करेंगे, क्योंकि व्हाइट में ही हमें ब्लैक, जहाँ पे हमने व्हाइट कलर मिक्स किया है वहाँ पे ही हमें ब्लैक कलर नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो कलर की शेड है वो ख़राब हो सकती है। तो अभी ब्लैक कलर जो है वो डार्क है, तो इसके लिए हमें ब्लैक कलर नॉर्मली लेना है, ज़्यादा हमें ब्लैक कलर नहीं लेना है। देखिए इस तरह से मैंने एकदम थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है जो मैं अभी यहाँ पे ब्लैक में रेड कलर में मैं यहाँ पे मिक्स करने वाली हूँ। नॉर्मली हमें ब्लैक कलर लेना है, इस तरह से मैंने ब्लैक कलर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेड कलर है उसमें मैंने मिक्स किया तो वो हमारा हो गया ब्राउन कलर। इस तरह से ब्राउन कलर हमें यहाँ पे फिल करना है। इसी तरह हमें डॉट देने हैं, 2-3 डॉट देंगे और उसमें हम ब्राउन कलर फिल करेंगे। फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ, इस तरह से हमें 2-3 जगह पे ब्राउन कलर फिल करेंगे।
इस तरह से हमने रेड में ब्लैक कलर डाला और जिससे हमारा कलर हो गया ब्राउन। अभी हम उतनी ही उससे भी कम क्वांटिटी में हम लेंगे ब्लैक कलर। देन हम यहाँ पे जो हमारा ऑरेंज कलर है वहाँ पे हम ऑरेंज में उसे मिक्स करने वाले, वही अभी हम यहाँ पे 2-3 साइड में भरने वाले। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड, इस तरह से हम यहाँ पे जो हमने ऑरेंज कलर में ब्लैक कलर मिक्स किया वो वाली शेड यहाँ पे हम फिल करेंगे। इसी तरह से आपको येलो में भी ब्लैक कलर भर के फिल करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने जो हमारा ऑरेंज कलर था वहाँ पे हमें ब्लैक मिक्स करके हमने फिल किया। अभी हम जो हमारा येलो कलर है वहाँ पे हम ब्लैक मिक्स करेंगे और फिल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम येलो कलर में ब्लैक मिक्स करेंगे तो थोड़ी ग्रीन वाली शेड हो जाएगी, वही ग्रीन वाली शेड हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये जो है हमारा येलो कलर, उस येलो कलर में हमने ब्लैक कलर फिल किया है, मिक्स किया है, अभी वो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। इसी तरह से ये शेड हम यहाँ पे भरेंगे, यही शेड हमें 2-3 जो भी हमारे जो 2 बॉक्स बचे हैं वहाँ पे हम फिल करेंगे। जब हमारा पिक्चर कंप्लीट हो जाता है तो हमें वहाँ पे ब्लैक स्केच पेन से अंडरलाइन करनी है, और जब हमारा पिक्चर प्रॉपर कंप्लीट होगा, देखिए बच्चों, ये अभी हमारे खाली ऊपर के ही जो साइड है वो बची है। तो कैसी लगी आपको आज की ये ड्राइंग? इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहे तो बुक में कीजिए, या तो आपकी जो प्लेन बुक भी आप बनाकर प्लेन बुक में भी आप फिल कर सकते हो। इसी तरह से आपको ये पूरा पिक्चर कंप्लीट करना है और उसके पिक्स मुझे सेंड करने हैं। देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा एप्पल कंप्लीट। जो एप्पल है वो हमने किस कलर से फिल किया है? वार्म कलर। तो इसी मेथड से आपको ये जो नेक्स्ट वाली पेंटिंग है जो कूल कलर की है उसके लिए भी आप ये वाली पिक्चर भी आप कंप्लीट कर सकते हो, और उसी मेथड से आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।